मुझे हेयर लॉस का समस्या लगभग 3-4 साल से। मैंने कुछ दवाइयाँ यूज की, कुछ सीरम वगैरह यूज किए, ऑनियन ऑयल हो गया, पर मुझे कुछ खास रिजल्ट मिले नहीं। तो रिव्यूज बहुत ही पॉजिटिव थे। सर्जरी को लेकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मेरा नाम सुशील कुमार वर्मा है, मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से हूँ और मुझे हेयर लॉस का समस्या लगभग 3-4 साल से है पिछले। और मैं लगातार इसको रोकने के लिए मैंने कुछ दवाइयाँ यूज की, कुछ सीरम वगैरह यूज किए, लेकिन मुझे कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिले। फिर मुझे लोगों ने बताया कि जैसे कुछ आप होम रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑनियन ऑयल हो गया या गार्लिक पेस्ट हो गया या घमीरा हो गया। इस तरीके से मैंने कई चीज़ें इस्तेमाल की पर मुझे कुछ खास रिजल्ट मिले नहीं। और उसके बाद फिर मैंने एक दिन ऐसे ही सर्च कर रहा था हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो मैंने देखा कि एक QST करके है। फिर मैं उसमें मैं अंदर उसमें गया, फिर मैंने उसके काफ़ी वीडियोस देखे, मैंने उसके काफ़ी रिव्यूज़ देखे, तो रिव्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव थे। देन मैंने लगभग 1 साल से प्लान कर रहा हूँ कि करा लूँगा करके, लेकिन एटलीस्ट मैंने फाइनली ये दिन चूज़ किया आज का कि मुझे कराना ही है। फिर देन मैंने यहाँ पे QST सेंटर पे कॉल किया और यहाँ के मेंबर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया, मेरे से बोला कि आप अपनी कुछ पिक्चर शेयर कर दीजिए अपने सर की चारों ओर से। तो मैंने उनको शेयर की पिक्चर, तो उन्होंने मेरे को मतलब देख के बताया मेरे सर पे कि लगभग 3,000 से 3,500 के आसपास ग्राफ्ट लगेंगे। और बाकी मैंने जो भी उनसे क्वेरीज रखी उन्होंने बहुत ही क्लियरली मतलब आंसर दिया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई उनसे कोऑर्डिनेट करने में। जैसा कि अब मैं जा रहा हूँ सर्जरी के लिए, और सर्जरी को लेकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं काफ़ी समय से इन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। थैंक यू। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी सर्जरी हो चुकी है, और जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था कि बहुत अधिक पेन वगैरह कुछ नहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर्स की टीम भी बहुत सपोर्टिव थी और मेरा QST के थ्रू ट्रांसप्लांट हुआ है, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट, और जिसमें कि मेरे 3500 ग्राफ्ट लगे हुए हैं। और डॉक्टर्स का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। और जिनको लगता है कि सर्जरी बहुत ही डेंजरस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, रियली मतलब बहुत ही पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है, और अगर कोई भी कराना चाहता है तो बहुत ही ईजिली करा सकता है। और जैसा कि सर्जरी के दौरान डॉक्टर बार बार कंसिडर कर रहा था कि आपको पेन तो नहीं हो रहा है, पेन हो रहा था तो उसके लिए भी वो लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे, और उसके बाद एट लास्ट में मुझे प्रिकॉशंस बताए गए, दवाएं समझाई गई किस तरीके से दवा लेनी है। और प्रिकॉशंस में ये जैसे आपको बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बिल्कुल बचा के रखनी है, और जैसे वॉशरूम वगैरह जाना है तो कैप लगा के जाना है, और स्प्रे दिया हुआ है जिसको हर एक घंटे में आपको स्प्रे करना है, और कहीं से मतलब किसी चीज़ से सर टकराए ना, उस चीज़ को प्रॉपरली बचा के रखना है। और मोस्टली छः दिनों के बाद ही हेयर वॉश आप कर सकते हैं, 6 दिनों तक हेयर वॉश नहीं कर सकते हैं।
और जैसे कि 2 महीने तक जिम रनिंग और बहुत ज़्यादा झुकना या कुछ वेट उठाना ऐसा कुछ भी करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। हाँ, आफ्टर 2 महीने आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सकते हैं। जैसा कि मेरा केवेस्टी के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट फर्स्ट PRP के सेशन में। थैंक यू। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.